गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बजे हैं सुबह के 7:45 और दिन की शुरुआत तो वैसे हो चुकी है, बट अभी व्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। और आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज एक्चुअली कल दादाजी का श्राद्ध है, तो आज बनाएंगे हम दही बड़े, मतलब बड़े बनाएंगे कांजरी वाले, और सूजी के लड्डू बनाएंगे। तो बड़े के लिए तो दाल में भी गोकर आ गई हूँ। बड़े की दाल जो आती है ना, मोठ की दाल आती है, आई थिंक वाइट वाइट सी होती है वो, और उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल भी डाली है थोड़ा सा बढ़ाने के लिए तो वो भिगो के आ गई हूँ। तो शाम तक अच्छे से भीग जाएगी, तो 3-4 बजे के आसपास उसको पिसा लाएंगे और फिर बड़े बनाएंगे। देन सुबह सुबह के काम करने के बाद सूजी के लड्डू बना लेंगे मावे वाले। तो अभी तो नीचे पोछा लगाऊंगी, क्योंकि जो हमारी दीदी हैं, काम वाली दीदी, उनके कुछ तो मतलब व्रत करती हैं वो ये श्राद्ध में। यार गाड़ियाँ बहुत आती हैं, एक तो मेरे ब्लॉग में ना हमेशा कुछ 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 होता ही रहता है, कभी गाड़ियाँ जाती हैं, कभी कंस्ट्रक्शन वाला ठक 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 ठक, अभी नीचे बर्तनों की आवाज़ भी आ रही है तो हाँ, जैसे मैं बोल रही थी कि उनके ना व्रत होता है, तो वो 3 दिन की छुट्टी लेके बैठी हैं, तो उसमें पहले दिन वो पूरा घर क्लीन करती हैं, फिर दूसरे दिन एकदम पूरा निर्जला व्रत, मतलब थूक भी नहीं अंदर जाने देती, ऐसा व्रत रखती हैं सुबह और रात तक। और फिर आज उन्होंने बहुत सारा खाना बनाया होगा, वो कुछ बोल रही थी 8 तरह की सब्जियाँ होती हैं, कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट कुछ वैरायटी में खाना बनता है, फिर भोग वोग लगता है, तो वो बहुत ही मुश्किल सा व्रत वो करती हैं। इस वजह से 3 दिन की उन्होंने छुट्टी ले रखी, तो आज 3rd डे है, तो आज पोछा लगा देती हूँ नीचे और फिर बाकी के काम करके फिर बनाएंगे सूजी के लड्डू। और क्राफ्ट के लिए मैं काफ़ी चीज़ें मैं लेकर आई थी, देखो रात में मैं घूमने गई थी ना, तब मैं ये लेकर आई थी पेपर, तो ये वाले पेपर और मैं लेकर आई थी, तो जो मैं कल बता रही थी ना आपको, कुछ क्राफ्ट करूँगी, ये तो 2 थे ही और ये और लेकर आई हूँ, तो देखते हैं कितना कुछ हो जाए। तो अभी तक तो यही है अपडेट, अब और देखेंगे क्या करेंगे इनका तो चलिए फटाफट से मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। झाड़ू तो इनफेक्ट मैं लगा के आ गई हूँ, पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद करते हैं बाकी काम। तो आज हमारी हाउस हेल्प नहीं आई थी, तो इसलिए फिर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया फटाफट सुबह सुबह ही, और एक काम तो फिनिश हुआ एटलीस्ट, क्योंकि बाद में मुझे काफ़ी काम थे और करने को, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक नहाने का टाइम नहीं होता पहले नहाने से पहले ही मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि अगर बाद में करती तो फिर मुझे 11-12 बज जाते और फिर मुझे और भी बहुत सारे काम थे आज, क्योंकि कल दादाजी का श्राद्ध था, तो इसलिए काफ़ी काम हो गए थे करने के लिए। पहले से ही प्रिपरेशन करनी होती है, वड़े बनाने होते हैं, लड्डू बनाने होते हैं, और ये ना रात में मैं लेकर आई थी पुदीना अर्नव के लिए, अर्नव की तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी, तो इसलिए पुदीना कीवी एंड पाइनएप्पल ये सब मैं लेकर आई थी, कि पुदीना डाल के थोड़ा उसको जूस बना दूँगी, कीवी क्योंकि खट्टी होती है दोनों ही, पाइनएप्पल एंड कीवी दोनों ही चीज़ें, तो उसमें थोड़ा पुदीना एंड थोड़ी सी चीनी डाल के जूस बना देना, तो बच्चे अच्छे से पी लेते हैं। और बाकी का पुदीना मैंने ऐसे ही क्लीन करके डब्बे में डाल के रख दिया, तो आराम से 5-6 दिन चल जाएगा। तो कीवी के साथ मैं एक टमाटर और खीरा भी ले रही हूँ, तो ये ना बहुत अच्छा रहता है, इससे ब्लड बढ़ता है, तो दो सब कुछ थोड़ी सी चीनी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने पीस लिया और छान कर अनवी और अर्नव दोनों को मैंने दे दिया, तो वो बोल रहा है मम्मा थोड़ा सा डेकोरेट करके देना तो अच्छा लगे और बाद में मैंने क्या किया, कांजी का पानी बना के रखा, शाम को मैं बड़े बनाने वाली थी तो पानी पहले ही बना के रख रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी खटाई आ जाए, तो पानी में डाली ये पिसी हुई राई, साथ में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी हींग, और फिर इसको धूप में रख दिया, तो इससे ना ये खटाई आ जाएगी इसमें, और बड़े जो हैं वो बहुत ही टेस्टी टेस्टी बनेंगे कांजी के बड़े, तो वो हम शाम को बनाएंगे और तब तक बाकी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। तो ऐसे ही ना कुछ भी फंक्शन होता है ना तो काम बहुत सारे हो जाते हैं, छोटे छोटे काम भी ना ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता, तो ऐसे ही बस करते करते सारा दिन निकल गया मेरा और काम भी होते गए, काफ़ी मज़ा भी आता है। देखिए मैंने कहाँ पे इसको रखा है धूप दिखाने के लिए, और यहाँ पे तो अच्छे से धूप लग गई, 12:30 और मेरे सारे काम ख़त्म हो गए और अर्नव आया है नहाने, देखो कितना चिल्ला रहा है, उसको भी नहलाया जाएगा। यहाँ पे इतनी जगह जगह देख कितनी निकल आई, पापा ने ये सारे पौधे ना इधर कर दिए, वहाँ से पूरी ये जगह निकल आई, ऐसे खाली खाली सा लग रहा है यहाँ से भी, यहाँ पूरे ना पौधे वौधे रखे थे, देखो मिट्टी विट्टी हो गई और इधर लगा दिए उन्होंने सारे, वहाँ पे एक्चुअली नहीं थे पौधे,
झाड़ू रखी थी, झाड़ू तो इधर डाल दी, वहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे सफाई भी करनी है मुझे, और इस बंदर को नहलाना भी है। आज 4 दिन हो गए, ठीक है तो एक बार ठीक तो हो तू। 4 दिन से बुखार उतर ही नहीं रही थी, इसीलिए तो रगड़ रगड़ के गर्म पानी से नहलाऊंगी तेरे को। तो इसको बुखार की वजह से नहीं नहा पा रहा था, तो मैं भी एक्चुअली, मेरे पता है क्या हो रहा था, जब मेरे बुखार हुई थी ना, तब मैं जब भी नहाती थी ना मेरे बुखार हो जाते थे। तो 15 दिन तक उतरी ही नहीं मेरी बुखार, तो इस चक्कर में मैंने फिर इसको नहीं, 4 दिन हो गए नहलाया ही नहीं, ऐसे ही बस पहुँच रही हूँ। तो आज इसको गर्म गर्म पानी से नहलाया जाएगा, और आज भी स्कूल में नहीं भेजा इसको, घर पे इसको कीवी जूस घी ये सब दे रही हूँ। आज मैंने मसाला में भी कीवी का डेकोरेशन किया, और मम्मू ने डेकोरेशन किया है, और मैं मसाला छाछ बनाई, इतनी टेस्टी बनी थी ना, लेकिन मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई। देखो वीडियो में ही छींकता है, अंदर ही घुसे इसके। चल गर्म पानी लगा। तो हाँ, तो एक चीज़ और बोल रही थी मैं, अभी काम खत्म हो गया, मैंने सोचा था लड्डू बनाऊंगी, तो वो लड्डू के लिए मौसा जी ने हाँ बोल दिया। हाँ हाँ, बाल्टी में लगाओ। तो मौसा जी ने बोला कि शाम को वो बना देंगे, तो मेरा एक टेंशन कम हो गई। तो अभी वड़े बनाएंगे, तो वड़े मैं शाम को बनाऊंगी, क्योंकि दाल जो है वो 4 बजे पिसा के लाएंगे हम लोग, उसके बाद वड़े बनाने हैं। तो मौसा जी ने हाँ बोल दिया लड्डू के लिए। बस अब इसको नहला के थोड़ा सा अपना काम करूँगी, एडिटिंग का भी करना है थोड़ा, और भी बहुत सारे काम हैं छोटे मोटे, और किचन ऊपर का मैं मतलब क्लीन करके गई थी, मैंने सोचा यहीं पे लड्डू बनाऊँगी, क्लीन कर दिया था सुबह ही, लेकिन बच गई। यार पता है, कम से कम ना 5 से 6 किलो वज़न हो जाता है सारी चीज़ों को मिला के, मावा सूजी घी चीनी सब, और फिर इतना जोर लगाते हैं। तो मम्मी जी ने कल थोड़ा सा हलवे में जोर ऐसे मदद की थी, तो उनके वो जो ऑपरेशन कराया हुआ है यहाँ पे, तो उसमें दर्द हो गया था, तो इस वजह से उनसे भी हेल्प आज मैं ले नहीं सकती थी। और 5-6 किलो वज़न अगर मैं पूरा ऐसे चलाती रहूं, तो वो मुझे भी खांसी हो गई बच्चे के, तो वो मुझे भी वो होता, तो क्योंकि मुझे मार्थोलिन सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो वो मुझे मतलब दिमाग में घुसी रहती है कि क्या पता कौन से दबाव से या कौन से फोर्स से वो वापस हो जाए। बहुत बार हो भी चुका है मुझे ऐसे कि किसी चीज़ पे अगर मैंने फोर्स किया है किसी चीज़ पे और वज़न उठा लिया हो, तो उससे ना मेरे वो और रिकरेंस हो जाता है उसका, तो वो चीज़ भी मुझे डराती है। तो उस चीज़ का भी मुझे एक डर था कि अकेले मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। एक्चुअली मौसा जी करते हैं हर बार, और तो इसलिए फिर मैंने उनको बोल दिया, तो वो बोले कि शाम को मैं बना दूंगा, टेंशन मत ले, तो शाम को बना देंगे। तो अभी बस अब फ्री हूँ, अभी बस इसको थोड़ा सा नहला के इसकी गर्म तेल की मालिश करूँगी, पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं इसके। क्या हुआ? आपको पापा से डांट पड़ेगी। क्यों? आपने खाद नहीं बनाई। खाद मैंने पापा को मना कर दिया था, तो इतने दिनों खाद बनाई नहीं है मैंने, बट कोई नहीं, चलता है, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है यार, साफ़ सफाई में बच्चों के, ये बीमार, पहले इसके एग्ज़ाम्स थे, अभी बीमार हो गया 4-5 दिन से, और अनवी के एग्ज़ाम्स हैं, और इन्हें सब ना बहुत दिमाग का दही हो रखा है मेरा। तो बस अभी करती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। और आज मम्मी जी कर रहे हैं सफाई इस अलमारी के ऊपर वाले खन की। तो पूरा अभी तो ताम झाम सब समेट दिया है, थोड़ा सा ही है बिखरा हुआ। कुंसो तो सफाई में ना मम्मी जी कोई साड़ी लहंगा मुझे देते जा रहे हैं, तो ये लहंगा दिया है, एक साड़ी दी है सिल्क की मस्त, और मेरे मजे हो जाते हैं हर सफाई में है ना, कोई भी साड़ी मुझे पसंद आती है ना सिल्क की, वो मैं ले लेती हूँ मम्मी जी से। तो मेरे मजे हो जाते हैं, और वो सिल्क की साड़ी मैंने कहाँ रख दी मुझे पता ही नहीं, और ना वो भी दिखाती है आपको, अभी तो लहंगा रखती है। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, और चाय पी के फिर चलेंगे दाल पिसाने। तो 4:15 हो गए, लेट हो गया एक्चुअली, तो चाय मेरी देखो उकल गई है, उबाल आ गया है चाय में, तो चलो फटाफट दूध डाल देते हैं। और आज देखो बर्तनों का ढेर, इतने बर्तन हुए हैं ना, इतने बर्तन हुए पूछो ही मत, तो बहुत सारे बर्तन धोए थे आज, और इनको ढंग से सेट भी नहीं किया, अब करेंगे ये सारे बर्तन। और इनके बीच में ही जो ये रखा है ना, इसमें है दाल, बेचारी बीच में फंसी बैठी है, ये देखो, तो ये सारी दाल पिसवा के लाएंगे अभी। तो चलो फटाफट मैं ये बर्तन भी
लगा देती हूँ जब तक दाल वो चाय बनती है। तो देखो बर्तन भी मेरे सेट हो गए, चाय भी बन गई, हो गए ना दो दो काम एक साथ। तो देखिए दाल का पानी सारा निकाल दिया, इसमें हरी मिर्च और अदरक डाल दिया, अब इसको पिसवाने जाएंगे, पिसवा कर लाते हैं बड़ी। और ये आ गए हम दाल पिसवाने, इतनी दूर आए हैं आज चलते चलते। पानी बोलो ले वहाँ से, और ऊपर से जा रहा है हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज पता नहीं। तो ये निकल रहा है, दाल निकलेगी अब। तो ऐसे पिसा के ले जाओ ना तो आराम से, जैसे हमें चाहिए ना दही जैसे बड़े बनाने की वैसे बन जाती है, और ना मिक्सी में पिसो ना तो इतनी प्रॉपर नहीं निकलती और बन जाती है एकदम बढ़िया सी। कमर तो टूट गई यहाँ तक इसको लाते लाते, पर बन जाएगी अब। अब हो गया काम हमारा, ये देखो कितने अच्छे से निकल रही है ना, निकल आई दाल। ये देखिए दूध चढ़ा दिया है, इसका दही बनाएंगे, तेल चढ़ा दिया आते ही, पहले ये काम किया है। और ये दाल जो पिस कर आई थी अब इसमें डालेंगे नमक, और इसके साथ ही थोड़ी सी हींग लाल मिर्च और ये सूखा धनिया, इसको थोड़ा सा हम क्रश कर लेते हैं उसके बाद इसको डालते हैं। देखिए बड़े की दाल में हमने मिर्ची डाली है, धनिया, ये हींग भी डाली है थोड़ी सी, पानी में भी डाली मैंने हींग इसलिए थोड़ी कमी डाली है, और नमक बस इतना ही, साथ ही हरी मिर्च और अदरक इसमें पिसवा दी थी। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे फिर बड़े बनाएंगे। देखो कुछ इस तरीके की हो गई है, और अब बनाते हैं चलो बड़े। तो ऐसे थोड़े से हाथ पे लेंगे और इस तरीके से, तो ये देखिए एकदम मार्केट वाले बड़े बनाएंगे हम, जैसे हलवाई बनाता है ना वैसे ही। और ये देखो चिपक भी गया है तो ये देखो हमारे बड़े जो हैं फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही फ्राई होंगे ना, पहले इसको ये नॉर्मल पानी में डालेंगे, फिर एक और बैच जब तक फ्राई होगा एक बैच और डाल देंगे तेल में, तो वो जब तक फ्राई होगा तब तक उसको नॉर्मल पानी में रखेंगे, उसके बाद ये कांजी का पानी हमारा बन गया है, फिर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो कितना टेस्टी सा लग रहा है ना दिखने में, यम्मी सा हो जाएगा, कल तक और खटाई आ जाएगी इसमें। तो लीजिए तैयार हो गए बड़े, चलिए इनको पहले नॉर्मल पानी में डालते हैं। तो यहाँ से निकाले एकदम कुरकुरे कुरकुरे, साउंड भी अच्छा आ रहा है। अभी ना डालेंगे इनको इस पानी में, और ये अच्छे से ना इनका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाता है ऐसे दो बार पानी में डालने से, और बड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, और अंदर तक इनमें खटाई जाती है कांजी के बड़ों में, बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से। तो अभी फटाफट से मैं दूसरा बैच डाल देती हूँ, तब तक ये पानी में ही डूबे रहेंगे। तो ये देखो सेकंड बैच भी हो गया, तो इधर फर्स्ट वाले बैच को पानी से निकाल कर इसमें शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे बड़े जो हैं वो अच्छे से कांजी का पानी भी पी लेंगे, और एकदम टेस्टी टेस्टी बन जाएंगे भाई। और ये मम्मी जी बाहर कुर्सी खिसकाने में लगे हुए हैं, है ना, दिखने में एकदम यम्मी यम्मी। तो रात में मौसा जी ने बनाए फिर लड्डू, और लड्डू में देखिए ये मावा हमने ऐसे इस तरीके से बना लिया, घी में सूजी सेक ली। तो ये मौसा जी बना रहे थे बाहर, वो बोले थे हाँ बनाऊंगा मैं, और फिर नाम तू अपना करेगी कि मैंने बनाया है। फिर मैंने उनको बोला नहीं मैं आपका ही नाम दे दूँगी, आप ही बना रहे हो। तो यहाँ पर देखो सूजी को अच्छे से ना घी में भून लेना है, और फिर थोड़ा सा आटा भी हमने मिक्स किया था ताकि लड्डू और अच्छे से बंध जाएं, और फिर उसमें मावा मिक्स किया, मावा को भी अच्छे से भून लिया, और फिर ये जो मिक्सचर है मावा भूनने के बाद पूरा निकाल लेंगे हम। और घी देखिए और डालते जा रहे हैं, वो काफ़ी घी वाला हो गए थे लड्डू, और जब हमने लड्डू बांधे ना उसके बाद बहुत सारा घी उनमें से निकल रहा था, तो वो हमने अलग से निकाल ही लिया फिर। और ये मावा मैं एक हाथ से डाल रही हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रही थी, और फिर लड्डू बनाने का मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि एक्चुअली मैं भूल भी गई थी, और दूसरा हो भी नहीं पाता, हाथ पूरे घी में चिकने हो गए थे, और सब लोग साथ में मिलके बना रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा फैमिली टाइम वाला मोमेंट हो गया था, तो उसी को एंजॉय किया और वीडियो बनाना भूल गई। तो अभी देखिए चाशनी बना रहे हैं, तो चाशनी के लिए
दो गिलास पानी लिए और उसमें चीनी डाली। एक्चुअली एक किलो सूजी के लड्डू बनाए थे हमने, एक किलो सूजी थी और 1.5 किलो मावा, तो उसमें 2 किलो के करीब चीनी गई थी। तो थोड़ी सी हमने इसमें रख ली थी 2 किलो में, क्योंकि थोड़ी हमने इलायची के साथ पीस ली, तो पहले चाशनी बनाने के बाद उसमें इलायची पीसी हुई जो चीनी थी वो डालकर उसको अच्छे से थोड़ा ठंडा कर लिया। एकदम अच्छे से ठंडा नहीं करना है, अदरवाइज चाशनी वापस चीनी बन जाएगी। और ये अनवी पता नहीं क्या कलाकारी दिखा रही थी कि देखो मैं भूत बन सकती हूँ, मेरे पाँव टेढ़े हो जाएंगे तो बीच बीच में वो ऐसे एंटरटेन कर रही थी थोड़ा, तो बोल रही थी मम्मा आप भी बनो ऐसे भूत तो ये थोड़ा सा हम ऐसे ही कुछ फन मोमेंट हो रहा था। और ये देखिए चाशनी एकदम तैयार है, और ये इलायची वाली जो चीनी है ना पीसी थी वो इसमें मिक्स की मैंने, और फिर बस जैसे ही ये थोड़ी ठंडी होगी इसके अंदर हम जो बेसन वाला जो मिक्सचर था वो ऐड कर देंगे और फिर लड्डू बना लेंगे। बहुत वैसे तो इजी से बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ ना तो थोड़ा सा फिर वो मुश्किल हो जाता है अच्छे से सिकाई करना और उसको चलाते रहना, तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है और थोड़ा सा खड़े खड़े करना मुश्किल भी हो जाता है। तो थोड़े से देखो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाले हैं, काजू और बादाम काट के। आप चाहो तो और भी अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जो भी आप बच्चों को खिलाना चाहते हो खुद खाना चाहते हो वही डाल लो। मिक्सचर देखो थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बना लिए, और फिर रात में हमने थोड़ा फैमिली टाइम बिताया और फिर सो गए। ओके गुड नाइट।